अखाड़ा में आज सबसे पहले बात उस महिला की जो पाकिस्तान छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत में तो आ गई, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठे हैं। सीमा हैदर की सचिन से मोहब्बत की कहानी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के एंगल तक अब पहुंच गई है। यही वजह है कि बॉर्डर पार कर भारत आई सीमा हैदर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों और UPATS ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब जांच एजेंसियां सीमा पर लगे जासूसी के आरोपों से लेकर तमाम तरह के एंगल की जांच में भी जुट गई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अखाड़ा में, सीमा हैदर की FIR कॉपी से बड़ी जानकारी अब सामने आई है। सीमा हैदर से पुलिस को 4 मोबाइल फोन मिले, जिसमें से एक मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला। सीमा हैदर से पाकिस्तानी सिम कार्ड भी बरामद हुआ। दावा यह है कि सीमा से जो मोबाइल फोन बरामद हुए उसका डेटा डिलीट कर दिया गया था। अब ATS और नोएडा पुलिस डेटा रिकवर करने में जुटी हुई है, तो प्रश्न ये उठता है कि छुपाना कुछ नहीं था तो डेटा डिलीट क्यों किया, फोन क्यों तोड़ दिया, ये कौन सा पाकिस्तानी सिम था। ये बहुत सारे प्रश्न अब उठने लगे हैं। अब सीमा के खिलाफ दर्ज FIR में पुलिस को सीमा के पास क्या कुछ मिला वो आपको बताते हैं। देखिए ग्राफिक्स पर नजर डालिए, 4 मोबाइल फोन उन्हें मिले हैं, साथ ही एक सिम कार्ड मिला है और ये सिम पाकिस्तानी है। एक मोबाइल टूटा हुआ मिला है और सबसे बड़ी बात, 3 आधार कार्ड मिले हैं, 3 आधार कार्ड मिले हैं, 6 पासपोर्ट मिले हैं और उसके साथ ही 4 जन्म प्रमाण पत्र भी मिले हैं। एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा के हाथों बरामद हुआ है। एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सीमा हैदर से मिला है जांच एजेंसियों को और FIR में ये सारी बातें दर्ज हैं। 5 वैक्सीनेशन कार्ड भी मिले हैं और साथ ही एक बस टिकट जो काठमांडू से दिल्ली का है। इसके साथ ही 2 वीडियो कैसेट भी सीमा हैदर के पास बरामद हुए जो FIR में दर्ज हैं। एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड NIC जिसे कहा जाता है, ये भी सीमा से बरामद हुआ है और ये FIR में दर्ज है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी और UPATS के सामने सीमा हैदर के मोबाइल फोन की जांच की सबसे बड़ी चुनौती है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां अब इस बात की जांच करेंगी कि सीमा हैदर ने नेपाल में किस नंबर का प्रयोग किया था और किससे बातें की थी। इस बात की भी जांच होगी कि सीमा हैदर ने पाकिस्तान में रहते हुए किस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया था और किन लोगों से वो टच में थी और बातचीत कर रही थी। इस जांच से साफ हो जाएगा कि सीमा हैदर किन किन लोगों के संपर्क में थी। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि डेटा डिलीट क्यों किया गया, डेटा डिलीट कब किया गया और कितने फोन से डेटा डिलीट किया गया। दीपक बिष्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। दीपक बताइए, FIR से जो जानकारी आई है उसमें फोन और सिम कार्ड के जो क्वेश्चंस हैं, जो सवालात हैं, वहीं पर वो शक के दायरे के अंदर आते हैं, क्योंकि मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट बच्चों के भी हो सकते हैं, उनके हो सकते हैं, NIC पाकिस्तान में जारी किया जाता है, 3 आधार कार्ड इन्होंने कैसे बनाए, कहां बनाए, ये प्रश्न भी पूछे जाएंगे, लेकिन फोन में डेटा डिलीट क्यों किया गया, क्या सभी फोन से डेटा डिलीटेड था या सिर्फ ये जो सिम कार्ड या एक पर्टिकुलर फोन से डेटा डिलीट किया गया है। देखिए बिल्कुल यही सवाल यहाँ पर ATS की टीमें कर रही है, क्योंकि जो फोन का डेटा जिसके अंदर व्हाट्सएप चैट भी थी वो भी डिलीट की गई है और उसे रिट्रीव किया जा रहा है, क्योंकि उस चैट में कौन कौन से नंबर थे इनको खंगाला जाएगा। उसके अलावा जो फोन के मेमोरी से कॉन्टैक्ट की डिटेल्स में से कई नंबरों को डिलीट किया गया है उन्हें खंगाला जाएगा। सबसे अहम चीज है, एक पाकिस्तानी सिम सीमा के पास से बरामद किया गया है, उस पाकिस्तानी सिम को एक्टिवेट करने की कोशिश यहां पर ATS के जरिए की जाएगी, ताकि उस पाकिस्तानी सिम में कितने नंबर ऐसे थे जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं उनके बारे में डिटेल यहां पर खंगाली जाएगी। ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी सीमा के पास नहीं है, क्योंकि सीमा से जब इन सभी चीजों के बारे में पूछा गया कि वो पाकिस्तानी सिम लेकर यहां क्यों दाखिल हुई, वहां क्यों नहीं रख के आई, तो उसने कुछ ऐसा उसका कोई खास जवाब नहीं दिया। साथ ही कई सवाल कल भी पूछे गए थे जो उसके वहां से आने तक के थे, क्योंकि जिस एजेंट ने उसे नेपाल के रास्ते भारत की बॉर्डर को पार करवाने में मदद की वो एजेंट कौन था, क्या वो पाकिस्तानी एजेंट है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी तक उसके बारे में पुलिस को या
फिर एजेंसियों को कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। साथ ही जो गुलाम हैदर से उसके रिश्ते थे उनके बारे में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यहां पर जो पाकिस्तान में अब तक जो कुछ उसके साथ हुआ है, जो उसने यहां पर मीडिया के जरिए जानकारी दी है, उन बयानों का यहां पर मिलान किया जाएगा, क्योंकि काफी विरोधाभास उसके बयानों में है आनंद। और इसी वजह से एटीएस की टीमें जब तक संतुष्ट नहीं होती हैं तब तक उससे पूछताछ होगी। और उसके साथ ही सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को भी एटीएस की टीमें पूछताछ के लिए लेकर गई है, जिसमें सचिन देर रात तक वापस नहीं आया था, जबकि सीमा और सचिन के पिता घर में जरूर आ गए थे, लेकिन सुबह 8:30 बजे एटीएस एक बार फिर दोनों को लेकर गई है और उनसे लगातार पूछताछ का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि एटीएस किसी भी चूक में नहीं पड़ना चाहती। जिस तरह से सवाल बन रहे थे कि क्या सीमा वाकई में जासूस है या नहीं, ये अब जांच जो है तेज कर दी गई है। बहुत जग जाहिर है कि 14 घंटा 16 घंटा करीब, इनफैक्ट 36 घंटे नॉन स्टॉप मीडिया के सवालों का जवाब जिस शांति से और आराम से जो सीमा दे रही थी, वो ऐसा नहीं लग रहा था वो किसी भी चीज से डर रही है या घबरा रही है। और वो तो वही कह रही थी कि पुलिस आकर तफ्तीश करे, जो भी पूछना चाहे पूछे, यही बात सचिन ने भी कबूल करी थी। लेकिन और उन्होंने कहा था कि हम तो पूरी तरह कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारी पूरी तरह से आप खंगाल लें, हमारे इंटेंशंस को समझ लें और फिर हमें यहां भारत में रहने का मौका दें। सीमा ने तो यहां तक हमको कहा था यहां पर न्यूज 18 इंडिया पर और अखाड़ा में कि मुझे आप कारागार में डाल दें, जेल में डाल दें, लेकिन वापस पाकिस्तान ना भेजें। इस वक्त बड़ी एक और खबर आ रही है कि ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है, जहां यूपी एटीएस एक बार फिर सीमा हैदर को पूछताछ के लिए लेकर गई। जैसा दीपक मिश्र बता रहे थे, कल भी यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की थी। सचिन मीणा पहले से ही एटीएस के पास हैं, सीमा हैदर और सचिन से आज फिर ये पूछताछ होगी और ये सिलसिला अभी जारी है। कुछ प्रश्न वापस रिपीट किए जाएंगे, क्या दोनों को साथ मिलकर पूछताछ किया जाएगा फिर अलग करके किया जाएगा, किस तरीके का इन्फॉर्मेशन इनसे खंगालने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पर शक की सुई आकर रुकती है, क्योंकि कई सारी डिटेल जो सीमा ने सब जग जाहिर की हैं वही बातें वापस कंफर्म भी हो जाती हैं, रिकन्फर्म भी हो जाती हैं, लेकिन क्या इन बातों का वो जवाब दे पाई हैं कि वो किस से पाकिस्तान में टच में थी, पाकिस्तानी सिम लेकर वो हिंदुस्तान में क्यों आई, कौन सा डेटा उन्होंने डिलीट किया, ये सारे प्रश्न जो है इस पर अभी भी उत्तर नहीं मिले हैं और शायद लगता है जांच एजेंसियां कन्विंस्ड नहीं है। सीमा हैदर और सचिन मीणा के पिता को भी एटीएस अपने साथ ले गई है, वही सचिन पहले से ही एटीएस ऑफिस में मौजूद हैं। इस मामले पर सचिन के भाई का क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। कितने बजे पुलिस यहाँ पर पहुंची आज सुबह? सुबह रात भर रही है पुलिस घर के अंदर ही। घर के अंदर ही। और उसके बाद क्या कहा उन्होंने सुबह सीमा से चलो? सुबह एटीएस आई 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब सीमा ने कुछ बताया क्या बातचीत हुई एटीएस से? कुछ सीमा ने कहना चाह रही है अगर मीडिया बारे हमें हंस गए तो मीडिया बारे से किसी से बात न करना, सब बाहर करना है, ऐसा एटीएस ने बोला है। और ये बताया था सीमा ने कि क्या क्या पूछताछ हुई थी? ना कुछ भी ना हुई। दीपक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दीपक, तो वहां सचिन के भाई का भी ये कहना है कि एटीएस वालों ने कहा कि आप मीडिया से बात ना करें, सचिन हो या सीमा हो, मीडिया से बात ना करें। 2 दिन पहले से भी आपकी बात हुई थी, उस वक्त भी आपने कहा था कि सीमा के पड़ोसी हैं, उन्होंने भी कहा दिया था कि सीमा को और सचिन को कि आप मीडिया से बात ना करें। ये पुलिस की हिदायत थी या फिर पुलिस सीमा को मीडिया में और ज्यादा एक्सपोज होते हुए नहीं देखना चाहती थी या फिर बहुत ज्यादा कवरेज नहीं देखना चाहती थी, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए आनंद, बिल्कुल ये वजह एक हो सकती है कि पुलिस ज्यादा उसे कवरेज या मीडिया फुटेज नहीं देना चाहती, क्योंकि और दूसरी वजह ये हो सकती है कि कई बार देखिए ये सीमा के लिए घातक होगा, क्योंकि उसने जितने भी यहां पर मीडिया कर्मी हो या फिर सोशल मीडिया पर उनके जो अलग अलग बयान आ रहे थे, हर बार बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास था, तो सीमा अगर एक लाइन पर बयान नहीं दे पा रही थी तो वो उसके लिए खतरनाक था। और यहां पर शायद वही हुआ है, क्योंकि सीमा ने पिछले जब से वो यहां पर आई है तब से लगातार बयान दिए थे और उन बयानों में कहीं ना कहीं विरोधाभास था जब वो वहां से आई, क्योंकि हर किसी ने हमने उनसे हर बार पूछा था तो हर बार कुछ ना कुछ उनके बयानों में बदलाव दिखा था, तो ये हो सकता है कि इसी वजह से यहां पर पूछताछ करना चाहती है जो पुलिस टीमें हैं और कोशिश यहां पर यही रहेगी कि जल्द से जल्द उन सवालों का जवाब तलाशा जाए, क्योंकि सीमा हैदर से अगर वो सच नहीं बोलती है तो लाइट डिटेक्टर या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट की तरफ भी यहां पर जांच टीमें बढ़ सकती हैं। आनंद जी, जी धन्यवाद दीपक बिष्ट। दीपक बिष्ट स्टोरी को बहुत क्लोजली फॉलो करते आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की सरहद पार
कर पाकिस्तान की सरहद को पार कर भारत में आई सीमा हैदर की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अगर आप तस्वीरों को देखेंगे जो हम आपको अखाड़ा में दिखा रहे हैं सीमा हैदर की, तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते आते और पिछले एक हफ्ता 10 दिन के अंदर उनके ट्रांसफॉर्मेशन को आप बहुत गौर से नोट कीजिएगा कि कैसे वो पहले दिखती थी और भारत में आने के बाद जैसे ही उनको मीडिया से अटेंशन मिला उन्होंने कैसे अपना स्वरूप बदल लिया, कैसे अपने आप को भारतीय वेशभूषा और परिधानों में और लुक में ढाल लिया और कह दिया कि अब वो मुसलमान से हिंदू धर्म अपना चुकी हैं और पूरी तरह से एक हिंदू बहू की तरह अपने आप को मीडिया के समक्ष पेश कर रही थी। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। वहीं कल ATS ने करीब 7 घंटे तक सीमा हैदर से कई सारे सवाल भी किए। सीमा के कराची में घर, पासपोर्ट, पति पाकिस्तानी सेना में, परिवार से जुड़े कई जो व्यक्ति हैं उन पर भी सवाल किए गए। कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीमा का भाई खुद पाकिस्तानी सेना में है। और आज फिर सीमा हैदर को ATS ऑफिस लाया गया है जहां फिर से सीमा का सवालों से सामना हो रहा है। पाकिस्तान की सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल जुड़ चुका है। पबजी के जरिए प्यार और उस प्यार के खातिर भारत तक का सफर सीमा ने बिना किसी डर के तय कर दिया। ये बात खुफिया एजेंसियों के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। इस बीच खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली कि सीमा हैदर के परिवार का सदस्य पाकिस्तानी सेना में है, जिसे सुनकर उनका शक और मजबूत हो गया। हकीकत क्या है उसे जानने के लिए यूपी ATS की टीम ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पहुंची। सचिन सीमा और उसके 4 बच्चों को अपने साथ ले गई और फिर शुरू हुई सवालों की लंबी फेहरिस्त। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में जो सवाल पूछे गए थे वो कुछ इस तरह थे। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल और नेपाल से फिर भारत कैसे आई? सीमा के पास मोबाइल और उसके नंबर के बारे में पूछा गया। सीमा हैदर से उसके पति गुलाम हैदर के बारे में जानकारी ली गई। सीमा हैदर के पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट के बारे में पूछा गया। सीमा हैदर और सचिन की पहली मुलाकात के बारे में जाना गया। इसके अलावा ATS की टीम ने सीमा से पबजी ग्रुप में सचिन के अलावा कितने लड़कों से बात हुई इसकी जानकारी जुटाई। उसके परिवार के बारे में पूछा गया और नेपाल में सचिन के मुलाकात के बारे में भी जाना। कि सचिन और सीमा नेपाल में 7 दिन रहे, उस दौरान वो नेपाल में कहां कहां गए और किस किस से मिले। सीमा हैदर के पूरे परिवार में माँ, पिता, भाई बहन के अलावा कौन कौन है? सीमा के भारत आने के पीछे मकसद क्या सिर्फ सचिन से प्यार है? सीमा के भारत आने के पीछे दूसरी वजह क्या है? कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी रहीं, तो उससे जुड़े सवाल भी पूछे गए। सीमा हैदर सिंध और कराची में कब से कब तक रही? सीमा हैदर ने पाकिस्तान में अपना घर किसके जरिए बेचा? सीमा को भारत तक आने के लिए रूट्स की सलाह किसने दी? सीमा हैदर को भारत की सरहद तक पहुंचाने में किसने मदद की? भारत से जुड़ी सरहद को पार करते वक्त क्या सीमा की तलाशी भी ली गई? अब ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में कैसे दाखिल हो गई, क्योंकि भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल तैनात है और उसकी जिम्मेदारी है कि वह आने जाने वालों पर नजर रखे। ऐसे में SSB के जवानों को चकमा देकर सीमा कैसे निकल आई? इन सभी सुरक्षा खामियों को लेकर एजेंसियों के बीच माथापच्ची चल रही है। फिलहाल ATS ने सीमा, सचिन और उसके बच्चों को घर भेज दिया है, जिन्हें दोबारा किसी भी वक्त वापस बुलाने की बात कही गई।
आप देख रहे हैं सीमा का पहला स्वरूप और जब वो भारत में आई कैसे उसका स्वरूप बदला, तस्वीरों में शायद आपने नोट किया होगा। सीमा से हमने भी पूछा था आप पर जासूसी के आरोप हैं, तो उसने एक बात कही कि मैं चार बच्चों के साथ यहाँ भारत में जासूसी करने क्यों आऊंगी। कैसे नेपाल से हिंदुस्तान के अंदर आई, पति पत्नी और चार बच्चे आए, तो शायद शक की सुई उन पर ना गिरी हो, ये भी तो हो सकता है। उधर सीमा हैदर मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो सकता है। एटीएस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सीमा प्यार की आड़ में जासूसी या किसी गलत इरादे से तो भारत नहीं आई। पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब लाई डिटेक्टर टेस्ट, आपने अगर झूठ बोला तो वो सुई इशारा कर देगी। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले टेस्ट किया जाएगा कि भाई इनके सच का जो लेवल है हार्ट रेट वो कैसा है, ग्राफ में ठीक बताएगा कि नहीं, और फिर उनसे उनका नाम, उनकी उम्र, कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके जवाब अभी जग जाहिर हैं। फिर एक पल्स बेस रेशियो तय किया जाएगा और फिर सवाल पूछे जाएंगे, और अगर सुई ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होती है यानी कि दाल में कुछ काला है, सीमा झूठ बोल रही है, सच नहीं कह रही, तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट यानी लाई डिटेक्टर टेस्ट इसकी भी संभावना है। सीमा हैदर इस वक्त एटीएस के रेडार पर है। एटीएस सीमा हैदर से पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान से भारत आने वाली जो थ्योरी सीमा हैदर लगातार सुना रही है उस पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है। सीमा हैदर की पूरी थ्योरी सस्पेंस है, प्रश्न चिन्ह लगा है बहुत बड़ा। यहाँ का वीजा नहीं मिलता, मैंने यहाँ के वीजे के लिए भी ट्राई करा था, हो गया बहुत ज्यादा, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान की सीमा ने कैसे की सीमा था? पहली बार मैं 10 मार्च को आई थी सर, तब इनसे सिर्फ मुलाकात के लिए। कहाँ हुई थी वो मुलाकात? नेपाल में, क्योंकि यहाँ का वीजा नहीं मिलता, मैंने यहाँ के वीजे के लिए भी ट्राई करा था। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्ट सोचा कि मैं गलत तरीके से जाऊँगी, पहले मैंने यही सोचा कि मैं यहाँ आऊंगी। मैंने वो फहाद से, फहाद अली, फहाद अब्बासी हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी कर। सीमा पार से आई सीमा की क्या है पूरी हकीकत? सब कुछ इंडिया कर, इन्होंने आधार कार्ड भेजा, राशन आ गया, कार्ड की कॉपी भेजी, वो मैंने निकलवा के उनको दी थी कि भैया मुझे मतलब जाना है इंडिया, पर कोई भी डॉक्यूमेंट पूरे ना हो पाए, तीन चीजें होनी चाहिए। तो पहली बार आप जब नेपाल आई तो कुछ दिन आप रुकी हुई थी सचिन के साथ? हाँ, हम लोग 7 दिन रुके, हमने शादी करी। कहाँ शादी हुई आपकी नेपाल? पशुपतिनाथ में शादी। पाकिस्तान टू इंडिया वाया दुबई और नेपाल, सीमा गुलाम हैदर की छोरी पर सवाल। ये मेरे साथ पहली बार आए, फिर हम खेलते खेलते अच्छा खेलते थे, पुराने थे, मैं नई थी पबजी में, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती बन गई, दोस्ती से फिर 21 में हमारा थोड़ा प्रपोज हुआ, इन्होंने मुझे करा, मैं इनको करा, हम दोनों में नंबर एक्सचेंज हुए, वो तो 20 में ही हो गए थे सर, इसमें हमारे प्यार हो गया बहुत ज्यादा। तो उसके बाद तभी हमने 21 के 7वां महीना था या 8वां महीना था, तो हमने सोचा कि हम एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते। पाकिस्तान से अपना प्यार पाने के लिए भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में ट्रैवल हिस्ट्री के सवाल पर टोटल सस्पेंस है। सीमा हैदर भारत कैसे पहुंची? सीमा को सीमा पर क्यों नहीं रोका गया? क्या बॉर्डर पर सीमा ने बच्चों के हिंदू नाम बताए? क्या पाकिस्तान से भारत आना इतना आसान है? सीमा हैदर की पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम से। सीमा का दावा है कि सितंबर 2020 में कोरोना के दौरान ग्रेटर नोएडा का सचिन और कराची की सीमा पहली बार संपर्क में आए थे। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे, गेम खेलते खेलते एक दूसरे से बातें करते थे। सीमा के मुताबिक फरवरी 2023 में सीमा ने भारतीय वीजा के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे वीजा नहीं मिला। इसके बाद सीमा ने नेपाल में सचिन से मिलने का प्लान बनाया। सीमा के मुताबिक 8 मार्च 2023 को सचिन मेरा दिल्ली के कश्मीरी गेट से बस पकड़कर काठमांडू के लिए रवाना हुआ था। इसी दिन शारजहां से होते हुए सीमा भी फ्लाइट से काठमांडू पहुंची थी। सीमा का दावा है कि 10 मार्च 2023 को काठमांडू में दोनों की मुलाकात हुई थी। काठमांडू में ही दोनों ने शादी की। 7 दिन तक सीमा और सचिन काठमांडू के एक होटल में रुके थे। यहाँ सीमा और सचिन ने साथ में वीडियो भी बनाए थे और इंस्टाग्राम पर अपलोड भी किए थे।
इसके बाद सीमा नेपाल से पाकिस्तान लौट गई थी। सीमा के मुताबिक कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रेवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। घर बेचने के बाद 10 मई को सीमा ने यूएई के रास्ते काठमांडू आने के लिए फ्लाइट पकड़ी। नेपाल पहुंचने के बाद सीमा ने प्राइवेट बस से दिल्ली तक का सफर किया। सीमा ने भारतीय मीडिया को जो कहानी सुनाई उसके मुताबिक सीमा को डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाए, इसलिए जब कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी तो उसने अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन बताया। सीमा ने बताया कि वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रहती है। ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद सीमा और सचिन एक किराए के मकान में 1.5 महीने तक रुके। सीमा का आईडी कार्ड बनवाने के लिए 29 जून को सचिन बुलंदशहर के एक वकील से मिला, लेकिन जब वकील ने सीमा के दस्तावेज देखे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर वो दंग रह गया। उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद सीमा की गिरफ्तारी भी हुई। हालांकि उसे जमानत मिल गई और इसके बाद ही सीमा ने टीवी चैनल को एक के बाद एक इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और ये पूरी कहानी दुनिया के सामने आ गई। हर रोज नया खुलासा हो रहा, उसके बाद फिर इन्हें मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ नहीं मीडिया से, नहीं लोकल आदमी किसी से मुलाकात नहीं हो रही, अंदर बैठे हुए हैं सब। भाई ये एजेंट हो सकती है कैसे, क्यों? हाँ। जब दो को छोड़िए तो यहाँ क्या भरोसा तीसरे का। सीमा के बयानों में विरोधाभास के बाद अब जांच तेज कर दी गई है। एटीएस सीमा से पूछताछ कर रही है। सीमा पार की सीमा को लेकर एक नहीं दर्जनों सवाल हैं और हर सवाल के जवाब की तलाश इस वक्त की जा रही है।